माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी होकर आना, खुश रहो मालवी। तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो बिस्तर पे नहीं दिखा तो सारे घर में ढूंढा तुझे, नहीं मिला तो कितना डर गई थी मैं, जान निकल गई थी मेरी। अब चिंता मत करो मम्मी, जब तक आप मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चल सोने चलते हैं। देर में भरानी इस कबीला होने वाले बालवीर को इस काल जल में डुबाएगी और काल जल को छूते ही वो बन जाएगा तिमनासा का गुलाम कालवीर। अरे ये कहते हैं मेरे दिमाग में एक जोरदार योजना आई है। कैसी योजना? ये अगर तिमनासा के बजाय मैं फटाक से जाकर विवान को काल जल में डुबा दूंगा। तो मैं बन जाऊंगा इसका आका। तो राजा। वैसे ये योजना आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन आएगी भी कैसे, उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए ना। बेवकूफ, इस रेखा को लांघने की कोशिश मत करना। इस विधि को केवल वही अंजाम दे सकता है जिसके नियंत्रण में काल जल और काल आकाश हो, और वो नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ तिमनासा के पास है। माफी चाहता हूँ। भैराजा, ओ अरे रे रे रे, पापी चाहता हूँ काल लोक के कबीला होने वाले भैराजा, आपका दिमाग है ना थोड़ा सुस्त है। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे ये देखकर कि आपने आकाश और धरती का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन वो बालवीर काल जल से निकल आया और बोला धप्पा। बेवकूफ, काल जल को अगर कोई छू भी लेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा?
काल जल को छूते ही वो इंसान भाप बन जाएगा। हाँ? फिर तो ये उत्तराधिकारी थोड़ी देर में काल जल नहीं भाप का बादल बनकर ऊपर मंडराएगा। बेवकूफ, इस काल जल पे केवल तिमनासा का नियंत्रण है। जिसे भी वो इस जल में अपनी मर्जी से डालेगी उसे कुछ नहीं हो सकता। ओ, अच्छा समझ गया। भैरानी जिसे काल जल में डालेगी उसका होगा, और जो खुद से काल जल में जाएगा उसका हो जाएगा स्वाहा। वाह! दिल से बुलाया, बालवीर आया, काल लोग तो पहुंच गया। अब तुरंत ही विवान को लेकर यहां से निकलना होगा। हैरानी, नंगी उंगली की कसम, उस बालवीर की मृत्यु और इस कालवीर के जन्म में बस कुछ ही दूरी का फासला रह गया। अब किस बात का वो कर रही हैं आप इंतजार? बालवीर आ चुका है। अरे नहीं नहीं महारानी, मेरे रहते हुए बालवीर क्या बालवीर का बाल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तिमनासा, चिंता मत करो, मैंने काल लोक के कोने कोने को मंत्रों से बांध दिया है। अगर बालवीर ने यहां कदम भी रखने की गलती करी तो बहुत पछताएगा, और अगर उसने उड़ के भागने की कोशिश की तो ये काल आकाश उसे भस्म कर देगा। बालवीर की जो गिनती की सांसें बची हैं वो तुम्हारा काल स्नान पूरा करने तक उखड़ जाएंगी। तुम निश्चिंत हो के विधि पूरी करो तिमनासा, बालवीर को मैं संभाल लूंगा। याद रहे कि वो मरे ना, उसे जिंदा मेरे पास लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से मेरी जीत और अपनी मौत होते हुए देखे। अरे इनकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती, किसी के मरने में भी इन्हें मनोरंजन चाहिए। चलिए महाराजा। अरे छेड़ा, हाथ कैसा है? बस ठीक है। अरे बहुत खुश लग रहे हो, सारे के सारे दांत चमका रहे हो, एक दांत भी छोड़ा नहीं, क्या बात क्या है? अरे काका क्या बताऊं आपको, वो मंदिर स्थापना की तैयारी करके आ रहा हूँ, पूरा 1001 रुपए का चंदा चढ़ाया है काका। मंदिर की तख्ती पे ना अपना नाम आएगा। नहीं होगा ऐसा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मंदिर ईश्वर की भक्ति और उनके आशीर्वाद से बनता है, चंदों से नहीं। मैं अभी जाके कमेटी में बात करता हूँ और सबकी तख्ती में से नाम निकलवाता हूँ। नहीं काका, ए सुनो तो, सुनो। छेड़ा, बरसों बाद भारत नगर में मंदिर बना है, मंदिर में लोगों का नहीं सिर्फ भगवान का नाम होगा। बस काका बात सामो, ये हुई ना बात,
इस सुरक्षा कवच ने मुझे काल लोक के आकाश से बचा लिया। काल लोक की हवाओं में चारों तरफ बुरी शक्तियों का जाल बिछा होगा। अच्छी नियत से किया गया जादू बुरी नियत पर हमेशा हावी होता है माँ। मैं अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाऊंगा जिसमें ना ही काल लोक की हवा होगी और ना ही काल लोक का आकाश। इस सुरक्षा कवच के लिए हर परी को अपनी शक्तियां बालवीर को देनी होंगी। बहुत हुआ ये बिजली और धरती का खेल, अब जरा काल जल को ढूंढा जाए। आग को देखते ही मेरा दिल धबड़ धबड़ करने लगता है। एक बार हाथ जला चुका हूं, वापस नहीं जलवा सकता। क्या? सॉरी मम्मी, वो हाथ से थाली फिसलने वाली थी। मैं हूं ना, डरो नहीं, पूजा करो ऐसे। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने वाला था। विवान के हाथ से आरती की थाली गिर रही थी, ये अच्छा संकेत नहीं हो सकता। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ऐसा लगता है किसी दुविधा में हो। विवान बेटा, शर्माओ नहीं, जाके प्रसाद ले लो। चूर के लड्डू, लड्डू देखते हैं मेरा दिल खुशी के मारे धबड़ धबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? पंडित जी, वैसे तो विवान हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन बहुत बेचैन है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे विवान पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। माँ का दिल ऐसा ही होता है बेटा, तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी बेचैनी को दूर कर सकते हैं। जी भगवान, मैं 5 दिनों तक, नहीं मैं 15 दिनों तक लड्डू खाने ही छोड़ दूंगा, पर आप बस विवान को सही सलामत अपनी माँ के पास लौटा दीजिए और बालवीर को जीत दिला दीजिए। रुको, इसी जगह से बालवीर मेरा बनाया हुआ सुरक्षा कवच भेद कर अंदर गया है। अरे वाह, फिर तो बताइए वो महाराजा, आपके बनाए हुए धरती आकाश वाले चक्रव्यूह में फंसकर बालवीर की हड्डियों का तो दंत मंजन बन गया होगा। बालवीर छाप दंत मंजन, वाह। अरे हाँ?
लग तो रहा है बहराजा कि आप कुछ सोच रहे, पर बिना दिमाग के सोचने में दिक्कत नहीं होती बहराजा? ऐसा मैं नहीं, कालोक वाले बोल रहे बाहर। चुप बेवकूफ। मुझे यहाँ से गलत संकेत मिल रहे हैं। बालवीर अभी भी सही सलामत है और यहीं आसपास है। क्या? आपके बनाए हुए चक्रव्यूह में चूहा पकड़ में नहीं आ सकता, बालवीर क्या खा जाएगा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालोक वाले बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये। जब पतंगे की मौत आती है ना, वो खुद ब खुद उड़ के दिए की तरफ जाता है। बालवीर भी यही कर रहा है, वो जरूर कालजल के पास गया होगा। चलो। अरे भैरानी विजय हो। नन्ही उंगली की कसम, हैरानी की जय जयकार केवल कालोक में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, पूरे ब्रह्मांड में। भैरानी की जय, भैरानी की जय। उससे पहले कि विमान कालजल को छूए, मुझे दिमनासा को रोकना होगा, और उसके लिए मुझे कालजल में किसी भी तरह जाना होगा। लेकिन कैसे बालवीर? कालजल के अंदर सुरक्षा कवच काम नहीं करता। मैं जानता हूँ ध्वनिपरी, कालजल के अंदर सिर्फ दिमनासा ही किसी को डाल सकती है, इसलिए मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी कि दिमनासा मुझे खुद उस कालजल के अंदर ले जाए। अब या तो ये तरकीब काम करेगी या फिर ये मेरी आखिरी तरकीब होगी। अब समय है इस तरकीब के अंतिम पड़ाव को पार करने का। अक्रूर, बालवीर यहीं आसपास है, होशियार रहो। बस कुछ क्षण और, उसके बाद इसे बालवीर तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। हो क्या रहा है यहाँ?
आर्य, बहुत वक्त बीत चुका है और अब तक बालवीर विवान को लेकर नहीं लौटा। कहीं कुछ बालवीर, बालवीर तुम आ गए, तुम कामयाब हो गए विवान को यहां लाने में। हाँ माँ, आप सबके आशीर्वाद से दोनों माओं के बच्चों को बचा लिया मैंने। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हम सबको बहुत गर्व है तुम पर। चलिए बालपरी, अब हमें विवान को लेके वीरसांग के लिए चलना चाहिए। शौर्य, तब तक आपको पृथ्वी का सुरक्षा कवच हटाकर वीरलोक पर वापस लगा देना चाहिए। हो सकता है तुमना से यहाँ वापस हमला करे। चिंता मत करो बालवीर, वीरलोक पर सुरक्षा कवच वापस लगा दिया है मैंने। तुमना सा वीर स्नान में कोई बाधा नहीं डाल पाएगी। चलो। 1, 2, 3, 4। विवान तो छुप रहा है ना? हाँ दीदी, छुप रहा हूँ। अगर इस देश का राष्ट्रीय खेल छुपन छुपाई होता तो लाता मैं गोल्ड मेडल। पहली बार जीतने की खुशी में मेरा दिल धड़पड़ धड़पड़ कर रहा है। हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, पर याददाश्त थोड़ी कमजोर है। बार बार भूल जाता हूँ कि मेरे ऊपर तो सुरक्षा कवच है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। डूबा डूबा, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? विवान, जल्दी से अपने जादू की छड़ी चला, वरना विवान की मम्मी मुझ पर अपनी छड़ी घुमा देगी। क्या हुआ बेटी? विवान, विवान क्या हुआ, तू चीखा क्यों बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वो बस चिपकली दिख गई थी। मुझे लगी है क्या कहीं? हाँ नहीं, एक मिनट। बेटा क्या कर रही हो? पापा जी भगा रही हूँ बुरी बला को इसकी नजर उतार के। बेटा कुछ नहीं हुआ है विवान को, विवान बिल्कुल ठीक है। बेटी तू चिंता मत कर, तेरे प्यार में इतनी शक्ति है कि किसी बुरी नजर की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तेरी ममता की शक्ति से टक्कर ले सके, समझी? ऐसा क्यों लग रहा है कि विवान मुझसे दूर जाने वाला है? बिना ही विवान का वीर स्नान कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मस्ती परी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपके बिना वीर स्नान कैसे हो सकता है? बालवीर ये लो वीर वृक्ष की माला, इसे विवान को पहना दो। We'll be right back.
परियों, तैयार है ना आप सब? अब विवान के परितारा अभिषेक का समय आ चुका है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। परी, ये रोशनी बालवीर के शरीर से होकर भगवान के शरीर में क्यों जा रही है? वो इसलिए क्योंकि ताकि बालवीर की सारी शक्तियों का वरदान उत्तराधिकारी को भी मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता है। मिल गई है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? दिल से बुलाया, बालवीर आया।
रानी, एक बालवीर की मोमबत्ती बुझी नहीं, ये तो दूसरे बालवीर की भी जल गई। नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो हो गया, सत्यानाश हो गया। अरे तेरी नन्ही उंगली की कसम जब डाली, मैं बालवीर को कालवीर बना दूंगी, पूरे ब्रह्मांड पे राज करूंगी। पूरा ब्रह्मांड पेट पकड़ के हंसवाया। आलोक के भैरानी तमनासा कभी विफल हुई है क्या? ये रहा कालवीर। कालवीर, मैं डर गया। कालवीर, मैं डर गया। अरे जाओ, तमनासा के कहने पे दो चार ग्रह ध्वस्त करके आओ ना। बस गलती से कालों को ही ध्वस्त मत कर देना कालवीर। अरे रे, छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को पकड़ना था, वो भी नहीं पकड़ पाई ये काल लोक की भैरानी। कहां से देंगी जवाब उसे? वो तो घर में घुस के भैरानी को हैरानी दे गया ना। मात खाई है मैंने, हारी नहीं हूं मैं। कभी हारना नहीं सीखा तिमनासा ने, बदला लेकर रहूंगी मैं। इस अपमान की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बालवीर। अरे विवान को क्या हुआ? किकी, विवान को कुछ नहीं हुआ है। विवान को हमने निद्रा में डाल दिया है ताकि जब वो धरती लोक जाकर जागेगा तो उसे वीर लोक की कोई भी बात याद नहीं रहेगी। अगर ऐसा क्यों बाल परी? इस क्यों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा मस्ती परी। अभी हमें विवान को पृथ्वी लोक पर ले जाना होगा। बालवीर, ये क्या कर रहे हो? विवान के चारों ओर हमने एक सुरक्षा कवच लगाया है जिससे काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति उसे पृथ्वी लोक पर छू भी नहीं पाएगी। दिवाली की तैयारी करनी है, घर की सफाई करनी है, लाइट्स लगानी है, कितना काम है। जल्दी से दूध पी और पोहा खाकर हमारी मदद कर। खुशी, इधर आ, ये पकड़।
मुझे कभी आज तक वीर लोग का दूध पसंद नहीं आया, तो ये पृथ्वी का पानी मिला दूध कैसे पी सकता हूँ मैं? नन्हे कुएं, तुम ही अपनी सेहत बना लो। हाँ डूबा डूबा, सब कुछ पहले की तरह सही हो गया और तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरा दिल तो खुशी के मारे धबड़ धबड़ हो रहा है। शुक्रिया शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। करुणा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने विवान को इतने दिनों तक आपसे दूर रखा, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, एक दिन सबके सामने मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं सबको बताऊंगा खुलकर मैंने जो भी किया सबके भले के लिए किया। खुशी अब दिवाली अपने असली भाई के साथ मनाएगी। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे सर की मालिश की, गाजर का हलवा खिलाया, मोतीचूर के लड्डू खिलाए। थैंक यू खुशी, आपने मुझे बहन का प्यार दिया। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सब मुझे बहुत याद आएंगे। अलविदा खुशी, अलविदा करुणा जी, दादाजी अलविदा। चुपचाप खाओ, कल ही तो तू कह रहा था कि तुझे रोज नाश्ते में पोहा चाहिए, अब क्या हुआ? मम्मी, इस घर में परेशान करने का रोल मेरा है, आपका नहीं। और दूध कहाँ है? अरे यही तो था, पी गया होगा ना तू? नहीं मैंने नहीं पिया। ये देखिए मम्मी, जान पूछकर इसने दूध डिब्बे में डाला और अब नाटक कर रहा है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। बस इतना समझ आ रहा कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुझे बहुत दिनों बाद गले लगा रही हूँ। दो मिनट पहले तक तो बात कर रहे थे और अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सालों बाद मिल रहे हो। विवान चीज़ी ऐसी है सिस्टर, विवान सिर्फ दिल में आता है समझ में नहीं। चलो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी पलटन के साथ खेलने। अरे खुशी, तुझे विवान कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? नहीं मम्मी, अब विवान ओरिजिनल ओरिजिनल सा लग रहा है। बदला बदला तो पिछले कुछ दिनों से लग रहा था। ओ अंकल, क्या ताक जाक कर रहे हो? हाँ अंकल, अंकल दिखता हूँ मैं तुम्हें? तुम मुझे दिखती ही क्यों, वो भी मेरे घर के सामने। हाँ लोगों को बचाने के शौक बहुत बढ़ गया है तुम्हारा, जो अब वॉचमैन भी बन गया है। हाँ। तो क्या बुराई है वॉचमैन बनने में? कोई सोसाइटी का वॉचमैन होता है, कोई दुनिया का वॉचमैन होता है, जैसे बालवीर। हे भगवान, तुम बड़े तो हो रहे हो लेकिन बढ़ नहीं रहे। यहाँ से अभी भी बालवीर पे यकीन है तुम्हें? बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता। अच्छा सुनो, सोचो अगर बालवीर सच में हो तो वो तुमसे आके कहे शैतानिया मत करो, मम्मी की बात मानो, चिंटू चिंडी को परेशान मत करो, तब क्या करोगे? अगर सच में बालवीर आ भी गया ना तो मैं उसे सब समझा दूंगा कि शराफत से ज्यादा शरारत करने में मजा आता है, और अगर बालवीर मिल जाए ना तो भेजना मेरे पास, सब सिखा दूंगा। पूरी दुनिया की रक्षा कर सकता पर इस बच्चे को नहीं संभाल सकता। वीर सन हो गया फिर भी वैसे का वैसा ही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से चिंडू चिंडी की क्लास नहीं ली? चलो आज ले ही लेता हूँ। भैया आपको पता है एक सैंडविच का टेस्ट दुगना कैसे किया जा सकता है? कैसे? जब किसी को दिखा के जला के खाया जाए तब। क्यों ना इस विवान की पलटन को दिखा दिखा के खाए और इसे और भी स्पेशल बनाए। बहुत अच्छा आइडिया चिंटी, आज विवान के मुंह में पानी आएगा और उसकी आंखों में भी। हाँ, वो रहा विवान। लेकिन विवान मेरे पास सिर्फ एक ही है गोले, हमें बांट कर खाना होगा। आधा आधा करने की क्या जरूरत है गोपू, जबकि हम दोनों पूरा एप्पल खा सकते हैं। वो कैसे? जादुई दीवार की मदद से। लेकिन ये तो मामूली दीवार है विवान। अरे नहीं गोपू, ये दिखने में मामूली है पर है जादुई। इस दीवार के उस पर जो भी चीज फेंकते हैं ना वो डबल होकर वापस आती है, डबल होकर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उन चिंटू चिंटी को। चल चिंटू चिंटी को सब पता चल चुका है। अब देखो कैसे हम दो सैंडविच के चार सैंडविच करते हैं। भैया सैंडविच कब आएगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिंटी मुझे लगता है एप्पल तो सिंपल सा फल था इसलिए उसको डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा,
पर अपना तो 500 रुपए का सैंडविच है, थोड़ा ज्यादा तो टाइम जाएगा ना, चिंता मत कर। चलो, ये ज्यादा हल्का नहीं लग रहा? एक बार देख लेते। ये क्या, जरूर से देखते हैं। सैंडविच के लिए थैंक यू। अब इस जादुई दीवार से अपना सर फोड़ लो। विथ लव, विवान। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें? अरे बालवीर, विवान तो अभी बच्चा है, तो मस्ती तो करेगा ना? नहीं मस्ती परी, मस्ती उसे कहते हैं जो आप करती है, जिसमें सबको मजा आता है। लेकिन विवान जो करता है उसमें सबको परेशानी होती है, और सिर्फ उसे ही मजा आता है। शौर्य, मुझे लगता है विवान बालवीर बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। वो बालवीर बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन विवान का भी स्थान तो हो चुका है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो बालवीर नहीं बन सकता? बालवीर सही कह रहा है। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हमें विवान की परम परीक्षा लेनी होगी। परम परीक्षा? और इस परम परीक्षा से गुजरने के बाद ही विवान ये साबित कर पाएगा कि क्या वो सचमुच बालवीर बनने के लायक है या नहीं। पर बालपरी, अगर विवान इस परम परीक्षा में नाकामयाब हुआ तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होगा। फिलहाल विवान को ये परम परीक्षा से गुजरना होगा, उसमें सफल होना होगा, उसके बाद ही उसका वीर तिलक किया जाएगा। घायल शेरनी के रास्ते में नहीं आते भैमार, बहुत खतरनाक होती है। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट तो तुम्हें जाना चाहिए, मेरे और इस तख्त के बीच में से। बालवीर को खो देने के बाद इस तख्त पे बैठने लायक नहीं हो तुम। जिंदा खा जाऊंगा मैं तुझे भैमार। क्या खून कही है? घायल शेरनी को बचाने के लिए काला बिल्ला आया है, काला चीता आया है। तेमनासा, तुम्हारा ये काला बिल्ला चाहे कितना भी गुर्रा ले, काल्लोक की प्रजा की आवाज नहीं दबा सकता। और काल लोक की प्रजा को चाहिए भाई मार जैसा भाई राजा। अगर तुमने शांति से ये राजगद्दी छोड़ दी तो हो सकता है मैं तुम्हें अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका भी दूं। भाई राजा भाई मार का राज तिलक। क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुम्हें शायद अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका दूं। राज तिलक, राज तिलक मतलब वीर तिलक। बालपरी, ये वीर तिलक क्या होता है? जिस तरह से
एक नए राजा का राज तिलक किया जाता है, ठीक वैसे ही एक नए बालवीर का वीर तिलक किया जाता है। एक बार विवान इस परम परीक्षा में सफल हो जाए, फिर इस जादुई तन से उसका वीर तिलक किया जाएगा और फिर वो बनेगा बालवीर। हैं? लगता है गुस्से की वजह से भैरानी की दिमाग की सारी नसें जल गई है। बातें तो तुम बहुत कड़वी करते हो, लेकिन काम की, तभी तो तुमसे कहती हूं कि कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें राजगद्दी चाहिए ना? जाओ, ये सिंहासन तुम्हारा। जाओ बेमार, सोचो मत, विराज गद्दी तुम्हारी। राजा सोच क्या रहे हो? रास्ता खुला है, अपनी कश्यप रखिए सिंहासन पर, चलिए। लेकिन राजगद्दी का करोगे क्या बेमार? क्या मतलब? अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर तिलक हो गया तो वो इस काललोक को खत्म कर देगा, और अगर काललोक ही नहीं रहा तो राजगद्दी का क्या करोगे भैमर? पर उस उत्तराधिकारी को अब रोका कैसे जा सकता है? उसका तो वीर स्नान हो गया। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बहमार। बहुत भोले हो तुम बहमार, लेकिन काल लोक के वफादार। भूल गए? अभी अभी तुमने ही तो मुझे रास्ता सुझाया इस काल लोक को बचाने का। मैंने? कौन सा रास्ता? वीर तिलक। वीर तिलक रोकने का रास्ता। बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर स्नान तो हो चुका है बहमार, लेकिन परम परीक्षा और वीर तिलक अभी बाकी है। तुमने परियों के इतनी अंदर तक के रहस्य कैसे पता है? समय आने पर सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। हमें काल लोक को बचाना होगा, और वो तुम्हारे बिना नामुमकिन है। उसका वीर तिलक होने से हमें उसे रोकना होगा। मेरा साथ दोगे ना? काल लोक को बचाने के लिए भैमार अपनी जान तक दे सकता है। माँ, विवान की वीर तिलक की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। ठीक है बालवीर, अगर तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं। चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना है, कोई बुरी शक्तियां या परिया या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं। वीर तिलक हो जाने तक तुम नहीं रुकोगे।
ये वादा करो। वादा करता हूं मैं, नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये वीर तिलक रोका कैसे जाएगा? उसके लिए तैयारियां शुरू करो भैमार। नए मेहमान के स्वागत की बालपरी, मुझे एक बात बताइए, आज तक बालवीर ने ऐसा कौन सा काम अधूरा छोड़ा है कि उससे आपने ऐसा वादा मांगा कि जब तक वीर तिलक नहीं हो जाता तब तक वो हम में से किसी के लिए भी ना रुके? क्योंकि कभी कभी बालवीर दिमाग से नहीं दिल से फैसले ले बैठता है। और इस परम परीक्षा में हम कोई भी चूक नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का अब सबसे जरूरी काम है विवान की परम परीक्षा। चिंता मत कीजिए माँ, किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि काले तारे की रात भी नजदीक आ रही। काले तारे की रात? हाँ, वो रात जब सारी काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है और उस समय वीर तिलक करना बहुत कठिन होता है। इसलिए अब हमें विवान की पहली परीक्षा तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तो माँ, क्या विवान की पहली परम परीक्षा वही होगी जो? हाँ बालवीर, वही परीक्षा। ये चिल्ड्रंस डे की पॉकेट मनी, ये भाई दूज की कमाई, और ये चंडू चंडी को टोपी पहना के कमाए 500 रुपए का नोट, ये सब मिलाकर हुए बस 4000 रुपए। इसमें कैसे आएगी सलमान भाई वाली शेरवानी? वो शेरवानी तो 5000 की है। पर कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी दबंग के सलमान भाई की तरह खुद पे भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत भी है, और तिकड़मबाजी करने का टैलेंट अच्छे ज्यादा, और पैसे तो मैं जुगाड़ कर ही लूंगा। मम्मी, आप कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, कितना काम करती हो, और आपकी इस हुनर बेटी के होते हुए आप अकेली काम करोगी? आसपास के 4 लोग क्या कहेंगे? मैं बनाता हूँ। बनाओ नहीं, रुको, नीचे रख इसे। क्या चाहिए तुझे, इतना बटर क्यों लगा रहा है तू? मम्मी, बटर तो ब्रेड पे लगाते हैं ना, और अब ब्रेड थोड़ी ना, आप तो स्वीट हार्ट हो मेरी, और मुझे अपनी स्वीट हार्ट मम्मी से कुछ पैसे चाहिए, ओनली 1000। क्या 1000 में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? पैसे तो 3 ही होते हैं, पर आपको 4 जीरो वाले देने तो भी चलेगा। बोलो नहीं, सुनो, 0 दूंगी खाली तुझे। अरे 1000 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है पता भी है? कितने टिफिन के डब्बे बेचने पड़ते हैं, कितने ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं पता है कुछ? मम्मी, अपनी बेटी के अरमानों को टिफिन के डब्बे के नीचे मत कुछ लो। अरे मैं एडवांस मांग रहा हूँ, आप मेरी 6 महीने की पॉकेट मनी से 1000 काट लेना। एक बात बता, करेगा क्या तू इतने पैसों का? मम्मी, आपको तो बताया ना कि हर साल दिवाली में दिवाली का स्टाइलिश सितारा कंपटीशन होता है, तो उसी कंपटीशन के लिए मुझे शेरवानी खरीदनी है, वो भी सलमान भाई वाली। तो उसमें से 4000 तो गुल्लक से निकल गए,
अब बस 1000 आप दे दो प्लीज। बोलो नहीं, सुनो, इतने दिनों से इसलिए तू इतना सीधा बन रहा था ना कि एक साथ 1000 रुपए मांग सके। नहीं मिलेंगे। नहीं मम्मी, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे 1000 ही तो है। अरे छोड़, मुझे नहीं देने पैसे। विवान बेटा, हाँ मेरे साथ छेड़ा की दुकान पर चलोगे? मम्मी तो नहीं हुई इमोशनल ब्लैकमेल, लेकिन दादाजी को खुश करूंगा तो वे क्या 2000 भी दे सकते हैं। जरूर चलूंगा दादाजी, और आपकी सारी कहानियां भी सुनूंगा, जो समझाने समझाओ मुझे। चलो। बेचारा शेरवानी के लिए दादाजी से भी समझने को रेडी हो गया। मैं पिछले दिवाली की ड्रेस से काम चला लूंगी, आप उसको नई शेरवानी दिला दीजिए। हाय मेरी बच्ची, कितना प्यार करती है तू विवान से। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी नई ड्रेस दिलाऊंगी और विवान को उसकी शेरवानी भी दिलाऊंगी। जितनी भी मेहनत करती हूँ तुम दोनों के लिए ही तो करती हूँ। तो फिर आप विवान को पैसे देने से मना क्यों कर रही थी? ताकि उसे ये ना लगे कि हर चीज आसानी से मिल जाती है। शरारती बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है ना। मस्ती परी, अब शुरू होगी विवान की परम परीक्षा, जिसमें उसकी सबसे पहली परीक्षा होगी लोभ परीक्षा, जिसमें हमें पता चलेगा कि विवान कितना ईमानदार है और कितना लालची। बालवीर बनने का पहला अध्याय शुरू। योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन वीर लोक पर सुरक्षा कवच वापस लगाया जा चुका है, और बालवीर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। और ऐसे में तुम्हारे उस नए मेहमान को यहां कैसे लेकर आएंगे दिमनासा? वीर लोक के सुरक्षा कवच से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है एक और कवच भैमार, एक माँ की ममता का कवच है। एक माँ की ममता किसी भी कवच को तोड़ सकती है, और उसी ममता का फायदा उठाएंगे हम उस नए मेहमान को लाने के लिए। पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा आपके, फिर भी सवाल पूछने में शर्म आ रही है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरा पूछिए ना बहरानी से, कौन सी माँ, किसकी माँ, मतलब कालू की सरल भाषा में समझाइए हमें। समझना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ पृथ्वी लोक। भैरानी, ये गलत बात है। मुझे पहना दी एक लंबी सी कच्ची और खुद बन गई एक खतरनाक चुड़ैल से एक प्यारी सी बच्ची। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वीर लोक वाले कह सकते हैं। वीर लोक वालों को भूल जाओ, तौबा तौबा, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो उनकी सोच से भी परे है। अब मैं देखती हूँ कैसे होता है विवान का वीर तिलक।
चल बेटा जल्दी छेड़ा की दुकान पर चलते हैं, दिवाली की वजह से वहाँ बहुत भीड़ लगी पड़ी है और बाद में तुझे दिवाली के महत्व के बारे में भी समझाना है। हाँ दादाजी क्यों नहीं, आज आपसे सब कुछ चमत लेना चाहता हूँ। अरे छेड़ा 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 जी, अरे मुझे कब से खड़ा रहे, मेरा जल्दी दे दो, लेट हो रहा है। छेड़ा जी जल्दी जल्दी छेड़ा, अरे छेड़ा 750 ग्राम गुड़ देना। गुड़ गुड़ अंकल, गुड़ दीजिए ना। अरे आप लोग एक एक करके बोलिए, मेरे सिर्फ दो ही कान है और मेरा एक ही हाथ चल रहा है। 50 रुपए दीजिए। अरे छेड़ा जी मैंने तो नमक मांगा था, आपने तो खाने वाला सोडा दे दिया। अरे भाई क्या करूं, एक तो दिवाली की वजह से इतनी भीड़ है और छोटू को भी आज ही छुट्टी करनी थी। अरे छेड़ा, अरे छेड़ा गुड़, छेड़ा मैं यहां हूं, छेड़ा छेड़ा जल्दी करो। अरे छेड़ा जी, छेड़ा जी आप कहो तो आज के लिए मैं आपका छोटू बन जाऊं। हां अंकल इनका बात रखो, दिवाली पे आपका दिवाला निकाल देंगे। जी नहीं, बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर जो लोग बाहर से चिप्स के पैकेट चोरी करते हैं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगा। अच्छा अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो लग जाओ, चाय पानी शाम का नाश्ता और 200 रुपया रोज का दे दूंगा। अरे सही है, मंजूर है, चल बताइए क्या चाहिए आपको। अरे सुनो सुनो, तुम इनको अटेंड करो, मैं बाकी सबको देख लूंगा, ये सब पर भारी है। हाँ भाई। हाँ तो बताइए दादाजी क्या चाहिए आपको। 750 ग्राम गुड़ चाहिए दादाजी के लिए। ठीक है, गुड 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 गुड, ये रहा। हो गया। अरे 4 ग्राम ज्यादा क्यों दे रहे हो, छेड़ा अंकल का तो नुकसान करवा रहे हो ना। ठीक है ठीक है, ओके बेटा 2 ग्राम गुड़ कम है। अरे दादाजी 2 ही ग्राम तो कम है। पूरा पैसा देंगे तो 2 ग्राम गुड़ कम क्यों लेंगे छोटू। ठीक है, ये 2 ग्राम ठीक है, ये 5 ग्राम ज्यादा हो गया। अरे काका मेरी तरफ से 5 ग्राम एक्स्ट्रा दिवाली का बोनस समझ के ले लो। नहीं नहीं छेड़ा जी, हम 750 ग्राम गुड़ ही लेंगे ना, हम अपना हक छोड़ते हैं ना किसी का हक मारते हैं। मारो एक थप्पड़ मुझे। लेकिन क्यों बैरानी, देखो उधर बाल परी मस्ती परी, जल्दी मारो मुझे। अब देखो अगर बच्चे पर हमला होगा तो बाल परी उसे बचाने जरूर आएगी, समझे। अब मारो मुझे। अरे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है भैरानी, कहीं आपने गुस्से में आकर मुझे जिंगूर बना दिया तो। तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें मच्छर बना दूंगी। नहीं नहीं मारता हूँ मारता हूँ। नहीं भैरानी नहीं, आप अगर इस बच्चे के रूप में ना होती तो 2-4 झापड़ लगा देता आपको, लेकिन आपका ये रूप देखकर हाथ नहीं उठ रहा है भैरानी मेरा। नहीं 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 है, है? है? अरे भैरानी को थप्पड़ जड़ के तो बड़ा सुख मिला, जैसे बरसों की भड़ास बाहर आ रही हो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे वो लड़का उस बच्ची को कितना मार रहा है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे। मस्ती परी तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। वाह भैरानी चिल्लाने का बहुत बढ़िया नाटक कर रही है आप, एक तो असली लग रहा है। असली इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं सच में चिल्ला रही हूँ। अच्छा देखो ये नाटक है,
धीरे मारो। ओ रुको, 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 उठो। क्यों मार रहे हो इसे? फंस गई मछली कांटे में। देखो भाई, जब तक कांटा 750 ग्राम पे नहीं आता तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लगता है अब एक ही रास्ता है, मुझे अब वही करना होगा जिसका मैं हमेशा से खिलाफ था, जादू। अरे देखिए दादाजी, हो गया 750 ग्राम, ठीक है। ये हुआ ना इंसाफ का तराजू, ना एक ग्राम कम ना एक ग्राम ज्यादा। हाँ। चलो दे दो फटाफट। अरे ये लो। अरे बेटा मैंने 100 रुपये दिए, 50 रुपये लेकर तुम आ जाना। ये गुड़ के इंसाफ के चक्कर में मुझे मंदिर जाने में देर हो गई, मैं मंदिर जाता हूँ, तुम 50 लेकर आओ। अब होगी इसकी लोभ परीक्षा, ये लो। अगर 500 का नोट देखकर तुम वापस आए तो लोभ परीक्षा में तुम सफल हो जाओगे, और अगर नहीं आए तो तुम बालवीर बनने के लायक नहीं हो। क्यों मार रहे हो क्या? मैंने इसकी चॉकलेट छीन ली तो ये शोर मचाने लगी, और शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम क्यों मार रहे हो इसे? तो क्या हुआ, आजकल जमाना ही वैसा है, जो गलत है वही सही है। शोर मचाएगी तो, शोर मचाएगी तो। रुको तुम, रुको। रुको तबा तबा, बाल परी यहाँ आ चुकी है, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब इसे तो सबक सिखाना ही होगा। क्या तबा तबा, अगर तुम नहीं रुके तो ये तुम्हें जादू से चूहा बना देगी। सॉरी, मेरा दिल बदल गया, मुझसे गलती हो गई। ये लो तुम्हारी चॉकलेट वापस, ये लो। आगे से ये कसूर कभी नहीं होगा, गलती हो गई मुझसे। अगर दोबारा कभी चॉकलेट खाने का मन होगा तो खजूर खा लूंगा, ठीक है? भागता हूँ मैं। अच्छा बच्चा उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी पानी लेकर आई। ये तो 500 का नोट है। बस 4000 रुपए। इसमें कैसे आएगी सलमान भाई वाली शेरवानी? 1000 आप दे दो प्लीज। नहीं मिलेंगे। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदने में सिर्फ 500 रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी ने कहा था कि जिस पैसे पे अपना हक नहीं होता वो रखना बिल्कुल गलत बात है। बहुत अच्छे विवान, पहली बार खुद को गलत साबित होते हुए देखकर खुशी हो रही है। लेकिन अगर मैंने ये पैसे वापस कर दिए तो शेरवानी कैसे खरीद पाऊंगा? दादाजी से उम्मीद थी लेकिन वो तो अपने गुड़ के 50 रुपए भी वापस देने को भूल कर गए हैं। जात की बदली 500 का नोट दोस्त भैया ने दिया है, तो फिर गलती उनकी हुई ना, मेरा तो सब गुड लक हुआ। मुझे फौरन ये बात माँ को बतानी होगी। अरे छेड़ा जी, इनको 20 रुपए दे देना, मैं अभी आया। अरे ये लो पानी पी लो।
मुझे उस लड़के से बचाने के लिए शुक्रिया बाल परी। इसे कैसे पता चला कि मैं बालपरी हूं? सुनो अरे अभी तो यही थी ये लड़की, कहां गई? यही होनी चाहिए वो बच्ची, कहाँ गई? आओ बाल परी, आखिर फंसी गई तुम मेरे कांटे में। अब समय आ गया है काल लोक जाने का। माँ, विवान लोप परीक्षा में हार गया। लेकिन बालवीर, परम परीक्षा में अभी भी दो इम्तिहान बाकी है, और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है माँ, लेकिन काले तारे का समय नजदीक आ रहा है, इसका मतलब है हमें वीर तिलक जल्द से जल्द करना होगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि विवान की बाकी की दो परम परीक्षाएं जल्द से जल्द पूरी की जाए। हाँ ठीक है बालवीर, चलो। चलिए। पृथ्वी वालों की एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। आपके साथ मुंह उड़ाए बहरानी। बाल परी तो भावनाओं के कांटे में फंसी नहीं, उल्टा आपकी मरम्मत हो गई तबीयत से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, थालों वाले बोलेंगे। तमनासा, लगता है तुम्हारी चालाकियां अब पुरानी हो गई हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैमार कि तिमनासा के कांटे में ये भोली सी बाल परी ना फंसे। रुको, मुझे मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम दोनों जाओ मैं आती हूँ। लेकिन बाल परी, इस समय परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी, फिलहाल तुम दोनों वैसा करो जैसे मैं कह रही हूँ। ठीक है। देखा, सदियों से ये तरकीब काम करती आ रही है, जज्बातों में बहने की, इन जज्बातों में आकर कोई किसी के लिए जान देता है तो कोई किसी की जान लेता है। अब जल्दी से तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और अग्नि द्वार बनाओ, मैं इस बाल परी को लेकर जल्दी ही आती हूँ काल लोक। ठीक है, चलिए बना जा। सुनो, अब तुम्हें काल लोक ले जाकर ही रुकूंगी मैं। सुनो मेरी बात सुनो, रुको। पहले क्यों रोक दिया इसने? इतनी दूर से तो बाल परी को अग्नि द्वार के अंदर खींचना नामुमकिन है। बेटा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ,
तुम रुक क्यों नहीं रही हो? माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया बालपरी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परीलोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। अरे रे, कितना कुछ सिखाएगा आखिर ये तोबा तोबा आपको? सर में कुछ है भी या धूल भरी आंधियां उठ रही है सर के अंदर? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कालो पाले बोलेंगे आपको ये अग्नि द्वार बनाते हुए देखकर। अरे बालप्रीत को यहाँ आने तो दीजिए, उन्हें ये अग्नि द्वार नजर आया तो वो चौकन्नी हो जाएगी और फिर अपने जादू से मुझे कीड़ा और आपको मकोड़ा बना देगी, चलेगा आपको? है तो तू बेवकूफ, पर कभी कभी अकलमंदी की बात कर देता है। हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? इस विवान को तो देखो, ये अभी से ही लोक परीक्षा में असफल होता हुआ दिख रहा है। देखना गोपूसुती, इस बार दिवाली का स्टाइलिश सितारा विवान ही जीतेगा, और तुम दोनों को भी राना रवाना है, ठीक है ना? ताकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज विवान की बटन को मिले और चिंटू चिंटी को मिले खेलने का छिलका। लेकिन तुझे अपनी स्मार्टनेस पे इतना भरोसा कैसे है कि तू ही फर्स्ट प्राइज जीतेगा? ना तो तू चीफ गेस्ट का भांजा है और ना तो तेरे ऊपर बालवीर का आशीर्वाद है। फिर नहीं चाहिए मुझे बालवीर का आशीर्वाद। मेरे ऊपर तो मेरी माँ का आशीर्वाद है। ओह माय गॉड, तू कंपटीशन के जज को रिश्वत देगा फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए? वेरी बैड विवान। अरे सुतली, विवान कभी रिश्वत नहीं देता, और मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदूंगा और कंपटीशन में छा जाऊंगा। तो ये 500 रुपए अलग से? लो। अरे तुम लोग भी क्या इनकम टैक्स वालों की तरह इतने सवाल पूछ रहे हो? वैसे तू बता ना, तू कौन सा ड्रेस पहनने वाली है? मेरे पास तो ना गुल्लक है ना गुडलक है, नो मनी नो ड्रेस। बता ना सुतली। चल ठीक है, तू सेकंड प्राइज जीत लेना, पप्पू तू थर्ड जाएगा, चलेगा ना? अब तो बता कौन सा ड्रेस। ना मुझे माँ ने एक काम दिया था, याद आ गया, मैं जाती हूँ। अब इसको क्या क्या याद आ गया? विवान, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं देखा, मम्मी तुझे बुला रही है। अचानक कैसे कैसे हो सकता है, छुटली को अपनी मम्मी याद आ गई और मेरी मम्मी को मैं याद आ गया। चलो दीदी। इसने तो अपने दोस्तों तक को सच नहीं बताया, ये लोक परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो चुका है। तो क्या विवान सच में बालवीर बनने के लायक नहीं है?